और ये मौलाना पादरी कई हजार एक हो जाएंगे ना, जो आदरी पादरी से कुछ उखड़ने वाला नहीं है सना धीरेन्द्र शास्त्री जी का। धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे आज वो लोग पड़े हुए हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई है, जिनको लगता है कि एक ऐसा, आप बताइए कि तमाम लोगों की जो रैली होती है, चाहे वो मायावती जी की हो, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे किसी जिसकी रैली होती है, लाखों की भीड़ उठ जुटाने के लिए, रैली में लाने के लिए बस लगाया जाता है, लोगों को लगाया जाता है कि 400 भीड़ लेके ये आएंगे, 1000 भीड़ ये लेके आएंगे, बाबा किसी को नहीं बुलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं आप मेरे ऊपर मत आइए, आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं आओ तो वेलकम, ना तो भी लवंग उठा के बता देते हैं कि फलाने के घर में भूत बा, इनके घर में बरम बा, आखिर ये कहाँ से आता है, लवंगिया उठा के तो बताते हैं। वो तो चाचा मामा सबका नाम बता देते हैं। अरे बाप रे बाप, अब तो जब जाना पड़ेगा भैया, हाँ तब तो जाए पड़ी। नहीं आप भी देखते होंगे चाचा मामा के नाम उनको जो है लोग चैलेंज किए थे। नमस्कार, गोरख पुलाई देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का नाम सुने होंगे, वही बागेश्वर धाम वाले इस समय काफी विवादों में हैं। आपको बता दें एक ऐसे कथावाचक जिनका आगामी कथा 3 से 4 साल के लिए पहले से ही बुक रहता है और उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। हमारे साथ गोरखपुर की जनता है, हम उनसे सवाल करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम विवेक सिंह है। क्या आपको लगता है वो कहते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और हनुमान जी के कहे अनुसार वो करते हैं और वो कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, ये हनुमान जी ठीक करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मंगलवार व्रत मैं भी करता हूँ, पर ऐसा कुछ मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। अब वो क्या करते हैं भगवान जाने, भगवान तो है तो सही है, पर वो चमत्कार वो समझ में नहीं आता मुझे। वो तो चाचा मामा सबका नाम बता देते हैं। अरे बाप रे बाप, अब तो जब जाना पड़ेगा भैया, हाँ तब तो जाए पड़ी। नहीं आप भी देखते होंगे चाचा मामा के नाम को उनको जो है लोग चैलेंज किए थे, उस चैलेंज का उन्होंने स्वीकार करके उनको उन्होंने जो चीज दिखाया उसमें तो काफी हद तक सही चीजें निकल के आई हैं। अच्छा, आपके चाचा का नाम कोई बता रहा है तो आपको क्या लग रहा है, पहले से प्रायोजित लग रहा है कि क्या लग रहा है? यही होगा भैया, यही होगा। तो आप मानते नहीं? हम तो क्यों नहीं मानते हैं भैया? क्योंकि मैं भी भक्त हूँ, माँ बाप और भगवान के अलावा गुरु के अलावा कोई नहीं है। कोई चमत्कार होता तो भैया आज वो अपने लोगों को बहुत आगे पहुंचा दिए होते। हम तो कह रहे हैं हमको भाई बढ़िया एक्टर बना दीजिए, सलमान खान एक्टर है क्या? हम एक्टर हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम सलमान खान की तरह तो हो थोड़ी ना पाएंगे, हम गोरे हो जाएं हो थोड़ी ना पाएंगे। चमत्कार का मतलब यही होता है कि हम गोरे कर दें भगवान हमारा रूप ही बदल दें, वो होगा ही नहीं। कैसा मान लें चमत्कार भैया, हवा को चमत्कार नहीं कहा जाता। वो कहते हैं कि मैं एक माध्यम हूँ और हनुमान जी की जो शक्ति है, बालाजी का जो आशीर्वाद है उनको प्राप्त है, उसी के माध्यम से वो कर पाते हैं। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, सब हनुमान जी करते हैं। तो हनुमान जी को आप मानते हैं ना? मैं तो बहुत मानता हूँ, पर क्या है कि जिसके पास ताकत है ना वो शो नहीं करता, तो सिंपल सी बात है। बहुत हमारे, मैं हिंदू हूँ, बहुत बड़े बड़े हमारे धर्म के लोग हैं, बहुत ताकतवर थे, पर उन्होंने कभी दिखाया नहीं। करने के लिए तो भगवान इंद्र का उन्होंने सिंहासन हिला दिया, पर कभी दिखाया नहीं, जोड़ते नहीं पड़ते, तो ये सब चीज हम नहीं मानते सर। क्या लगता है शास्त्री जी, आप भी जो है अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी करते हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि चमत्कार नहीं करते हैं, वो आम आदमी है। देखिए मुझे लगता है कि ना बागेश्वर धाम हम लोगों के आसपास है और ना वहाँ का चमत्कार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह सुर्खियों में, चाहे कोई भी टीवी चैनल खोलिए, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल खोलिए, चाहे सोशल नेटवर्क का कोई भी साइट खोलिए, केवल एक ही शख्स का नाम आ रहा है, वो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी का। लगता है कि गोरखपुर लाइव का ये जो इंटरव्यू है, बागेश्वर धाम पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आज जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ये ना धीरेन्द्र शास्त्री का ले रहे हैं ना बागेश्वर धाम, सनातन धर्म से जोड़ के इसको ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म का हम अपने आदर्श, अभी अपने जो हमारा जो समय है 28-30 साल, अगर अच्छे से देखें तो सनातन धर्म का जितना हमने पास जाके अनुभव किया है, इस इतिहास में पहली बार कोई ऐसा शख्स है जो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है, और सिर्फ वो सिर्फ हनुमान जी की प्रेरणा से, और हनुमान जी को हिला कर रख दिया। क्या भाई साहब हिला दिए हैं बागेश्वर धाम के? धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं हिल गया है, मतलब पूरे विश्व में वो चमत्कार, अपनी कहने का तरीके से कहा जाए एकदम चमत्कार। आप क्या कहेंगे सर? मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता कहने। देखिए आजकल क्या है कि कलयुग है,
कलयुग है और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप की झड़ी नहीं है, आरोप की झड़ी नहीं थी। इसलिए अभी आप देख लीजिए, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं और ये राम कथा सुनाते हैं, मुरारी बापू जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो धर्म के लिए कम और व्यवसाय के लिए ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिनकी कथा 40 लाख 50 लाख में होती है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की कथा बिल्कुल निःशुल्क है। वो खुला चैलेंज करके कहते हैं कि मेरे कथा का चार्ज अगर कोई लेता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि कोई मेरा चार्ज नहीं है। और सनातन धर्म को इस पटल पर ले जाने वाला धरती का पहला शख्स मैं देखा हूँ जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद की झलकियाँ दिखती हैं। स्वामी विवेकानंद जी अंधविश्वास फैलाते थे, आरोप यह है कि बाबा बागेश्वर नाथ बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं अंधविश्वास फैलाते हैं, भूत प्रेत भगवाते हैं, आप भी देखे होंगे कई जगह सेनापति। हाँ ठीक है, देखिए सबकी सिद्धियाँ अलग अलग होती है, कौन किस तंत्र का प्रयोग कैसे करता है, चमत्कार और अंधविश्वास इस दोनों से कथावाचक और तांत्रिक में अंतर होता है ना। तंत्र देखिए हमारे ब्रह्म की साधना होती है, ब्राह्मण काल खास करके ब्रह्म की साधना होती है, दैवी शक्तियाँ होती हैं जो वो साफ कहते हैं कि मैं भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन मैं बीते हुए कल को बता सकता हूँ, वर्तमान में जो चल रहा है उसको मैं बस आप बता सकता हूँ। और तंत्र क्या होता है, प्रेत क्या होता है, ये मैंने, लेकिन उसकी ताकत क्या होती है कहीं कहीं उसका अंदाज़ा मिलता है। अभी बगौज घाट के पास एक कोई जगह है जहाँ पे किसी महिला को चार या किसी पुरुष को चार सीढ़ी आप चढ़ाना चाहते हैं, वो नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन जब उसके ऊपर प्रतांशिक दोष आता है तो वो पूरे पेड़ पे चढ़ जाती है महिला। आप मानते हैं भूत प्रेत को? भैया हम तो नहीं मानते, बाबा तो मान रहे हैं, कह रहे हैं होता है कि चार सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता है। अभी बोल रहे हैं गुरु जी का कहना ये है कि धर्म के बारे में मानने के बारे में अपनी मेरी सोच, मैंने तो आज तक कभी माना, मतलब आप नहीं मानते हैं? कभी बिल्कुल, व्यक्तिगत मत आपका है कि आप नहीं मानते? मैं मानता हूं, बस पूजा पाठ करते हैं, बस पूजा पाठ। आप बताइए, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मौलानाओं का साजिश है, पादरियों की साजिश है, बस देश में सनातन धर्म पर जो भी अच्छा कोई करेगा, पॉजिटिव चीज करेगा, आदिवासियों को शामिल किए सनातन धर्म में, वो कहते हैं बहुत बड़ी साजिश है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए उनका कुछ कार्य, उनका जो मिशन है ना, वास्तव में अपना देश जो है सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म एक ऐसा है कि सारे धर्म को सम्मान देने का रास्ता दिखाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं, जो आदिवासियों को सनातन धर्म में परिवर्तन कराए, और ये मौलाना पादरी कई हजार एक हो जाएंगे ना, जो आदरी पादरी से कुछ उखड़ने वाला नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे आज वो लोग पड़े हुए हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई है, जिनको लगता है कि एक ऐसा, आप बताइए कि तमाम लोगों की जो रैली होती है, चाहे वो मायावती जी की हो, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे किसी जिसकी रैली होती है, लाखों की भीड़ उठ जुटाने के लिए, रैली में लाने के लिए बस लगाया जाता है, लोगों को लगाया जाता है कि 400 भीड़ लेके ये आएंगे, 1000 भीड़ ये लेके आएंगे, बाबा किसी को नहीं बुलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं आप मेरे ऊपर मत आइए, आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कौन बोलता है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। वो किसी को बुलाते नहीं है, जिनको श्रद्धा है, जिनको विश्वास है आस्था के ऊपर, धर्म के ऊपर, वो उनके पास जाए, जिनको विश्वास नहीं है आस्था के ऊपर, धर्म विश्वास फैलाने का आरोप है, सेनापति भूत भगाओ, ये भगाओ, नहीं देखिए ये हमारे धार्मिक, देखे हाँ देखे है, ये हमारे धार्मिक संस्कृति में है, तो जिनके ऊपर जो कष्ट पड़ता है वो उसी व्यक्ति को पता चलता है, ना कि बगल वाले को। जब वो बगल वाले के ऊपर जब पड़ जाएगा तब उसको पता चलेगा इनके अंदर भगवान है या ये पत्थर। एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि उसके साथ जितनी घटनाएं हुई हैं और जितना धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया है, उसको कोई एक व्यक्ति ऐसा अभी तक नहीं मिला जो उसको गलत साबित कर दे। फिर कैसा अंधविश्वास, और कैसे लोग कह रहे कि चमत्कार और अंधविश्वास, तो कहते हैं हम हनुमान जी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, जो बताते हैं वो हनुमान जी बताते हैं, हनुमान जी बताते हैं। एक सवाल आता है शास्त्री जी, हनुमान जी और भक्तों के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री का क्या काम? काम ये साधना है, नहीं, साधना डायरेक्ट मैं जोड़ रहा हूँ, कहते हैं शास्त्री जी कहते हैं कि हनुमान जी का भक्तों से मैं मेल कराता हूँ, तो हनुमान जी क्या डायरेक्ट भक्तों से नहीं जुड़ते हैं? जज और अपराधी के बीच में वकील का क्या काम? तो आपको लग रहा है कि हनुमान जी और भक्तों के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री न्याय दिलाने का काम कौन करता है? वकील करता है। वकील क्या करता है? आग्रह करता है, बातों को स्पष्ट रूप से जज के सामने रखता है, वही कार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी का है। वो एक अच्छे साधक के रूप में है, सनातन धर्म को अपना मार्गदर्शक मान के सनातन धर्म की साधना करते हैं, हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त किए हुए तब उनके अंदर है ऐसा। हनुमान जी आज भी अमर है, अजर अमर, और अमर है तो कहीं ना कहीं से हमारे में आप बोल रहे हैं ना,
आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आखिर सनातन धर्म को मानते हैं, जब हनुमान जी को मानते हैं तो कहीं ना कहीं से उनकी शक्ति को भी तो मानते होंगे, चंदन लगाए हैं तो कहीं ना कहीं से तो सनातन धर्म को ये मान रहे हैं ना। ये क्यों नहीं हरी हरा चादर लेके ओढ़ के घूम रहे हैं, क्यों सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं? मैं ये क्यों कह रहा है कि जो आडंबर है उससे हम दूर रहते हैं। आपके घर में बिल्कुल बिल्कुल भूत प्रेत पे इनको भरोसा नहीं है, अंधविश्वास पे भरोसा नहीं है, चमत्कार पर भरोसा नहीं है। लेकिन फिर सवाल आता है शास्त्री जी की जो टीवी पर दिखाया जा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, उसमें कितना सच्चाई आपको लगता है? और वो जो दिखाते हैं भूत भगाने के लिए तमाम चीज, मतलब आडंबर करते हैं, लोग कहते हैं आडंबर करते हैं, उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि वो लाइव चीजें दिखाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं प्रायोजित है। देखिए जहां तक वो स्पष्ट कहते हैं कि ना कोई चमत्कार है, ना कोई चमत्कार है, ना मेरे अंदर कुछ विज्ञान, तो इसको नहीं मानता विज्ञान, तो विज्ञान विज्ञान का वैज्ञानिक जो पूर्ण रूप से पढ़ लिख के वैज्ञानिक हुआ है वो वैज्ञानिक सनातन धर्म को अपना मार्गदर्शक मानता है, उसी पे रिसर्च करता है, रामायण पढ़ के रिसर्च करता है वैज्ञानिक। जो आधे अधूरे लोग हैं जो अपने माँ बाप से पैदा होकर अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री उनको कैसे मानेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री एक अच्छे साधक के रूप में? आप धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं? बागेश्वर धाम वाले मोबाइल में आप देखे हैं, उन पर आरोप लगा है कि उनको लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमारे माँ, जो बताते हैं ना कि आपकी माता जी का क्या नाम है, पिताजी का, मतलब बिना बताए वो जान जाते हैं। तो क्या लगता है कि वो मतलब जो चमत्कार का वो कहते हैं कि मैं चमत्कारी हूँ और चमत्कार करता हूँ, हनुमान जी से सीधे हमारी वार्ता होती है, क्या उसमें आपको सच्चाई लगता है? अब देखिए उसके बारे में हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए कैसे बता दें। वो कहते हैं कि हमें आभास होता है, जो वहाँ तक जाएगा ध्यान विधि में उसको आभास होगा, तो हम लोग वहाँ से बहुत दूर हैं, जो कहते हैं हमारे सुन रहे हैं, कभी गए नहीं। लाइव देखते होंगे टीवी? हाँ हाँ लाइव देखते हैं। तो आपको लगता है कि उन पर आरोप लगा है कि जो है कह नहीं सकते हाँ? उसके बारे में आरोप तो लगा है, विश्वास फैलाते हैं, आरोप लगा है, लेकिन जो कहते हैं आभास होता है हमें ध्यान की विधि से। ध्यान वो ज्यादा टाइम किए हैं, वो कह रहे थे 12 बरस की अवस्था हम कर रहे हैं, तो उन्हें हो सकता है कुछ प्राप्ति हुई हो, और हम लोग नहीं किए तो आभास नहीं होता है। वो आभास नहीं होता। 26 वर्ष का एक संत एक साल के अंदर, देखिए उस मतलब वो पूजा पाठ में लगे होंगे, कथा में लगे होंगे, लेकिन एक साल के अंदर इतना चर्चित संत और इतने विवादों में। आप ही की बात में भी बोला कि इस इतिहास में पहली बार ऐसा कोई हुआ है जो स्वामी विवेकानंद, मैं नहीं कह सकता हूँ, किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस इतिहास में पहली बार पूरी धरती पे चर्चा का विषय अगर कोई बना हुआ है तो धीरेन्द्र शास्त्री। और खुले मैदान में कैमरे के नीचे बैठ कर जिस प्रकार वो सारी गतिविधियों को बताते हैं, उस बीच का कोई शख्स उस कैमरे में खड़ा होकर क्यों नहीं कहता है कि ये अंधविश्वास है और चमत्कार नहीं है? चमत्कार नहीं, आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में? तो आपको लगता है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो उन पर आरोप लगाएगा अंधविश्वासी है? कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े चमत्कारी, वो कहते हैं कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, हनुमान जी की शक्ति है उन पर। जैसे इनके तरह बहुत लोग आए थे, एक बार निर्मल बाबा आए थे, बहुत लोग आए थे, अपनी अपनी दुकान खोल के लोग चला रहे हैं, और आप लोग जैसे पत्रकार और मीडिया वाले हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनका TRP बढ़ा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग जाए और उनके वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाए, आप लोग का भी फायदा हो, सबका फायदा हो वहाँ पे, मतलब जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। नहीं बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे निर्मल बाबा चले गए वैसे ये भी एक दिन चले जाएंगे, आशाराम बापू चले गए, सारे लोग ऐसे धीरे शास्त्री का तुलना आशाराम बापू और निर्मल बाबा से ऐसे ही, ऐसे सनातन धर्म को वो भी मानते थे, सबको वो भी बताते थे कि ये करो वो करो, बाप बेटा एक साथ चले गए दोनों लोग। जो चाचा का नाम बताना, बाबा हो सकता है लिख के रखे हो, ये सब प्री प्लानिंग होगा, लिख के रखे होंगे कि इनके चाचा का नाम ये, इनके पापा का नाम ये। मैं पूरा शूटिंग पे तो वहां मैं गया कृष्ण भगवान जी के पिताजी के घर आवास पे, जब मूर्ति बैठने तो वो अगला बंदा, मैं जैसे ही वहां गया ना, उसने मेरा नाम बताया, मैं कभी उससे मिला नहीं, आज तक नहीं मिला था, मेरा नाम बताया, मेरा नाम तो छोड़िए, मेरा घर भी बता दिया, मतलब एग्जिट मेरा घर गोरखपुर में कहाँ है, और मेरे फादर का भी नाम बताया। पर वो वहाँ पुजारी बन के बैठे हैं, उनके पूजा को मैं सल्यूट करता हूँ, पर वो नहीं दिखाते किसी को। आखिर जब इतना तो क्या है, उसको क्या कहेंगे आप? वो धर्म है हमारा, पूजा कर रहे हैं, आप तो लोग हैं जो आपका जो बता दिया उसको आप क्या कहेंगे? धर्म की ताकत कहेंगे कि साधना की ताकत कहेंगे? हम बता रहे हैं, हम तो वहाँ गए नॉर्मली ऐसे बातचीत हुई, तो वो खुद बता दिए कि विवेक बाबू आप कहाँ से आए हो हमें पता है। मैं कहाँ से आया हूँ गुरुजी, नॉर्मली क्वेश्चन किया, उन्होंने बताया। पर मेरे कहने का ये मतलब अभी आप धाम बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं मानते? मैं मथुरा गया शूटिंग में, वही बात बोलना चाह रहा हूँ। पर क्या है, वो कैमरा या ऐसे भूत प्रेत या ये वजीर ऐसा कुछ नहीं है, पेवर संत आदमी है। और मैं आपसे बोली दिया कि मैं खुद बजरंगबली का भक्त हूँ, हनुमान मंगलवार को बजरंगबली का मैं व्रत रखता हूँ, भोग लगाता हूँ,
सब कुछ है, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। जो पूजा करने वाला है, मैं गुरु जी की बात से बिल्कुल बोलूँ, ठीक है पूजा, हम मैं हिंदू हूँ, बिल्कुल है, ताकत है हमारे भगवान में, सब ईश्वर में ताकत है, पर ये भूत प्रेत, ये वजीर, ये क्या करना है ऐसे वैसे, ये मुझे समझ नहीं आता। भूत प्रेत प्रेतांशिक क्या है वो तो आप देखते ही हैं, पास ताकते हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि भूत प्रेत आप मानते हैं, हम भाई वही तो सब करते, वही तो कहते हैं कि भूत को मैं भगा देता हूँ, और भगाते भी हैं, किस तरीके से भगाते हैं मैं नहीं जानता। जब तक गांव के सोखा ओझा भी लवंग उठा के बता देते हैं कि फलाने के घरवा में भूत बा, इनके घरवा में बरम बा, आखिर ये कहाँ से आता है, लवंगिया उठा के तो बताते हैं शास्त्री जी, बताइए। अरे बताइए आप, बताइए आप शास्त्री, अभी शास्त्री, अभी शास्त्री, उनका टीआरपी बढ़ गया है गाँव में, हर गाँव में वो जो बताते हैं, वो जो बताते हैं, और ये जो बड़े गाँव में लोग देख के बता देते हैं, उसमें भी सत्यता है, उसमें भी सत्यता है, उनको इतने लोग नहीं जानते हैं।